नमस्कार प्रणाम, मैं आपकी अपनी प्यारी जोया खान। मैं आप लोगों से बहुत गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ। अभी जस्ट खेसारी लाल यादव जी का और पाखी हेगड़े जी का, माय फेवरेट हीरो खेसारी लाल यादव जी, माय फेवरेट एक्ट्रेस, उनसे बहुत सीनियर एक्ट्रेस पाखी हेगड़े जी, जिनका बहुत प्यारा सॉन्ग अभी रिलीज हुआ है और काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया, जिस सॉन्ग का टाइटल है बगलिनिया, बहुत हिट रहा। बहुत कम टाइम में आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, सो मैं चाहूँगी कि आप लोग और सारा प्यार दो, और यहाँ पे है उसको यहाँ पे करो, ऐसे आप अपना प्यार दुलार देते रहिए। और बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद पाखी हेगड़े जी वापस आई हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो आई एम सो हैप्पी, उनका वेलकम है, हमेशा था। नमस्कार, हम हैं अमरीश सिंह। रउआ लोगों के बता दें कि बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे बड़े ही प्यारे और जिसे मैं अपना आइडियल मानता हूँ खेसारी लाल यादव जी का एक वीडियो आया है जिसका टाइटल है बंगलिनिया। और मैं बता दूँ, इसकी नायिका है मेरी पसंदीदा अदाकारा पाखी हेगड़े जी, और मुझे लग रहा है कि पहली बार खेसारी लाल जी और पाखी हेगड़े जी की एक जोड़ी एक एल्बम के स्वरूप एक गाने में आई हुई है। तो आप लोगों से विनती है, निवेदन है कि इसे इतना सारा प्यार दें, इतना सारा प्यार दें कि सुपर से भी ऊपर, ऊपर से भी सुपर डुपर हिट बने। और ये बता दूं, वीडियो एल्बम जो है कि आदिशक्ति म्यूजिक कंपनी से आया है, तो आप लोगों का स्नेह और प्यार यूं ही बना रहे, और मेरे खेसारी लाल भैया और मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी ही जम के गाना बनाती रहे। जय हो। नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शाइना सिंह, और आज बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे बीच में एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग रिलीज़ हुआ है बंगलिनिया, जिसमें हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल जी नज़र आ रहे हैं और उनके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल हीरोइन पाखी हेगड़े जी नज़र आ रही हैं। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम दोनों साथ में नज़र आ रहे हैं, और इस सॉन्ग को रिलीज़ किया है आदिशक्ति कंपनी ने, तो मैं बधाई देना चाहती हूँ खेसारी जी को, बधाई देना चाहती हूँ पाखी जी को कि आप दोनों बहुत औसम दिख रहे हैं, और ये कुछ घंटों में कितने मिलियंस लोगों ने ही देखा है इस गाने को, तो एक बहुत ही बेहतरीन गाना आया है। प्लीज़ आप इसको देखिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव, और आप सभी लोग मुझे प्यार से चंबल बॉय कहते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है भोजपुरी के ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी को, पाखी हेगड़े जी को, कि आप लोगों का गाना जो बंगलिनिया गाना है वो बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ है। एक दिन में करीब करीब 4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ उसको मिले हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, भोजपुरी सिनेमा के लिए, भोजपुरी फिल्मों के लिए भी गर्व की बात है। भोजपुरी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। आदिशक्ति कंपनी से ये गाना रिलीज हुआ है, तो जिन्होंने वो गाना नहीं देखा है आप लोग यूट्यूब पर जाइए उस गाने को देखिए। और रवि यादव की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सलाम नमस्ते। बहुत अच्छा, और मैं तो सुना भी बंगलिया एल्बम है, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि पाखी हेगड़े जी 6 साल के बाद आए हैं, और वही पर्सनालिटी, वही चार्मिंग से आए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर के, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पाखी जी को, और साथ ही साथ मैं खेसारी भाई को और कंपनी मालिक को, आदिशक्ति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एज ए गायक आप सबसे अच्छा किसे सिंगर भोजपुरी में मानते हैं? अच्छे तो सारे हैं, क्योंकि गाने क्या कि गाने अलग अलग बनते हैं, तो हर गाने के अलग अलग सिंगर होते हैं, गायक सभी अच्छे हैं, मैं सबको अपना मानता हूँ सबको। मैं ऐसा कहा जाता है कि आलोक कुमार के आने से उदित नारायण जो बहुत बड़े सीनियर गायक हैं उनको भोजपुरी से आउट कर दिया गया है, आप उनके सारी फिल्में छीन लिए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं पूजा करता हूँ संगीत की, मैं पूजा करता हूँ। उन्होंने मुझे गवाया, मैं म्यूजिक डायरेक्टर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे उस लायक समझा। उदित जी तो बहुत बड़े सिंगर हैं, मैं उनका बराबरी भी नहीं कर सकता हूँ, बट लोग बदलते हैं, दुनिया बदलती है, मेरे बाद भी कोई और अच्छे सिंगर हैं, आते रहेंगे। स्टारडम को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ आपके अंदर स्टारडम है? स्टारडम नहीं, स्टारडम हर लोगों के पास होता है, हर लोग चाहता है कि मैं हीरो बनूं, एक्टर बनूं। एक गांव के लड़का भी चाहते हैं, जब फॉलो करता है कि वो हीरो कैसा ड्रेस पहनता है, तो उस तरीके से वो एक दिल में आता है कि मैं भी उसी तरीके से रहूं। तो हर लोगों के दिल में स्टारडम रहता है, बस इंसान अच्छे बनना बहुत जरूरी है। आलोक जी अगर सिंगर नहीं होते तो क्या होते आप?
कुछ ना कुछ जरूर करता, ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन कोशिश करता कि मैं सिंगर ही बनूं। यदि मैं नहीं बनता सिंगर तो कहीं कहीं मैं एक पेट पालने के, तो रोजी रोटी का तो नौकरी चाकरी तो करना ही पड़ता कहीं कहीं। दर्शकों से जाते कुछ कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से जाते थे कुछ कहना चाहेंगे? बस दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि बस जिस तरह से मुझे आपने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वो प्यार आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। और जो मैं स्टूडियो खोला हूँ ए फॉर यू कचरा लखीसराय में, आप लोग वहाँ पे जाएं, जो भी बेहिचक आप जाइए वहाँ पे, कोई तरह की दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिस्ट है, प्रोग्रामर है, आप वहाँ पे जाके रहिए। मेरे तरफ से एकदम आपको दिल से धन्यवाद है कि आप जो भी कहिए सबको मौका मिलेगा। दोस्तों मैं संग्राम सिंह पटेल, भोजपुरी एक्टर, और सबको मेरा नमस्कार। और मैं आज बहुत ही खुश हूँ और मैं लगातार इस समय बैक टू बैक कई फिल्में करने भी जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं आज खेसारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और क्योंकि मैंने उनसे काफ़ी प्रेरणा लिया भोजपुरी फिल्म में। तो अभी आज उनकी एक बंगलिनिया करके एक एल्बम आया है जिसमें पाखी हेगड़े जी भी हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुपर हिट रहा। और मैं ही चाहता हूँ कि दोस्तों से कि इतना प्यार और इतना दीजिए, वैसे तो आज 2 मिलियन क्रॉस ही कर चुका है, लेकिन और भी कई मिलियन क्रॉस करे, ये मैं आप लोगों से चाहता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत अच्छा। संग्राम जी का कोई सिनेमा देखा है आपने? उनकी खेसारी जी का मैं फैन रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ कि मैं बीच में फिल्म लाइन से गायब भी रहा, मैं काफ़ी पहले भी रहा, लेकिन बीच बीच में खेसारी का जो कॉमेडी रहता है वो रहता है तो एक अलग तरीके से, पवन सिंह हैं और सब लोग हैं तो वो तो हमको अच्छे नहीं लगे, लेकिन खेसारी जी का कॉमेडी वाला काम, डांस में सबसे अच्छा, काफ़ी हमको उनसे सीख मिलता है।